एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया जा रहा है। इंदौर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर काफी समय पहले ही बैन लगाया जा चुका था। हालांकि कई जगह पर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल देखा जा सकता है। इसको लेकर इंदौर के संवाददाता ने लोगों से बात की, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। कोई हिदायत दी जा रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से परहेज करते हुए नजर आए। जाहिर सी बात है, ये इनिशिएटिव जब लिया गया तो इस इनिशिएटिव के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये आ जाता है कि क्या लोग इस चीज को लेकर अवेयर हैं। इस वक्त मैं 56 में मौजूद हूँ। इस स्वच्छ शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के लिए सबसे पहला इनिशिएटिव जो लिया गया था वो 56 बाजार में लिया गया था। अगर हम वन टाइम प्लास्टिक डिस्पोजेबल को बंद करते हैं तो ये एक स्वागत योग्य काम है, क्योंकि जो कचरा हम लोग कर रहे हैं उसको समेटना अब 2-4-10 के बस की बात रही नहीं। हमारा कंज्यूम्ड इतना बढ़ गया है कि हम उसको डिस्पोज करने में हमें पसीना आ रहा है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने पुरातन परंपरा पे ही जाना पड़ेगा। अगर आप स्टील के बर्तन, अगर आप क्रॉकरी यूज करते हैं तो आप समझिए कि आप एक दिन में सिर्फ एक ये मार्केट को ही हम लेके चले तो कम से कम आधा टन कचरा तो कम कर सकते हैं। तो अच्छा, लोगों में अवेयरनेस नजर आ रही है इस चीज को लेकर? सर, अवेयरनेस पैदा करना पड़ेगी, क्योंकि ये जो आदत बनी है एक लंबे समय से बनी है, और इस लंबे समय से बनी हुई आदत को तोड़ने में भी एक लंबा समय लगेगा, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है वो। इसलिए तो सही है सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन होना, क्योंकि जितना आज की तारीख में ऐसा है कि पॉल्यूशन, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन बचेगा, मेन पॉल्यूशन बचेगा। हाँ, पॉल्यूशन, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो जान ले भी सकती है और बचा भी सकते। प्लास्टिक कम हुआ, सर आप क्या कहेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक का जो बैन होने वाला है किस तरीके से इस इनिशिएटिव? बिल्कुल सही चल रहा है, होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कपड़ों का, कपड़े जो, कपड़े के जो बैग होते हैं उसका उसका ज्यादा यूज करना चाहिए, यूज करना चाहिए। वो ऐसा है कि रिसाइकलेबल भी होता है, उससे एनवायरमेंट को भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो शहर की जनता की अगर बात करता हूँ तो अवेयरनेस नजर आती है, लोग कहते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना किया जाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।